हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा ब्लॉग एंड रसोई में। तो फ्रेंड, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा पाचक चूर्ण है ये, तो आप भी इसे ज़रूर घर पे बनाइए और खाइए। ये बहुत ही अच्छा है पेट के लिए। ये हर तरह की, कभी आपको खट्टी डकार आ रही है, गैस है, और कई बार जैसे अम्ल पित्त जैसे भड़क जाता है पेट में ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, तो उन सब में ये अत्यंत लाभकारी है ये चूर्ण। यह पेट को बहुत ठंडा रखता है और साथ ही साथ ये जो है अत्यंत ही स्वादिष्ट लगता है आपको खाने में। और सेवन विधि में मैं आपको बता दूंगी कि आप खाने के बाद इसे 2 से 3 रात करीब चूर्ण, आधी से 1 चम्मच, अगर आप बड़े हैं तो 1 चम्मच चूर्ण भी छोटे चम्मच से ले सकते हैं, और बच्चे हैं तो आधी चम्मच चूर्ण, तो आप गर्म पानी से, गुनगुने पानी के साथ इसे सेवन कीजिए 2 टाइम सुबह और शाम, तो आपको बहुत ही फ़ायदा लगेगा इससे। या चाहें तो आप इसे खाने के बाद चूस कर भी, थोड़ा थोड़ा सा हाथ में लेकर थोड़ा थोड़ा चूस कर भी चूर्ण को खा सकते हैं। तो दोनों ही विधि से आप इसे उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। तो फ्रेंड, आवश्यक सामग्री जो जो लगना है, देख सकते हैं ये बाल हर्रा है, थोड़ी सी क्वांटिटी करीब 15 ग्राम करीब बाल हर्रा लिया है मैंने, देख सकते हैं आप। साथ साथ ये देखिए अजवाइन है, तो 4 चम्मच अजवाइन ली है मैंने। तो ये सब साफ़ की हुई है, सारी चीज़ों को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। ये सौंफ ले ली है, ये भी 4 चम्मच सौंफ ली है, दिन की क्वांटिटी लगभग बराबर है। और जीरा है, ये भी 4 चम्मच है, तो मैंने जीरा, सौंफ और अजवाइन की क्वांटिटी बराबर ली है। और मेथी है, ये मेथी मैंने 2 चम्मच ली है, क्योंकि अधिक कड़वापन हो जाता है। तो नमक 2 चम्मच नमक लिया है, और हींग लिए है 1 चम्मच, और बाल हरा लिए हैं 2 चम्मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको कैसे बनाना है चूर्ण। हमें देख सकते हैं हींग है 1 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, तो आप रेसिपी ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने कढ़ाई जो है धीमी आंच पे चढ़ा दी है, इसमें जीरा डाल दिया है। सारी चीज़ों को फ्रेंड हमें एकदम मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम में ही सेकना है। तो देखिए, जीरा के साथ साथ मैंने सौंफ भी डाल दी इसमें, तो इनको एकदम लो फ्लेम में भूनना है हमें। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं आपको जीरा के बारे में बता दूँ कि इससे पेट की सूजन जो है उसको भी कम करता है, ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ इसमें शुगर के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं जो शुगर को नियंत्रित करती हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ सौंफ ऐड की थी, सौंफ भी है जो पाचन में बहुत उपयोगी होती है, इसे डायबिटीज़ और कैंसर के लिए भी बहुत सारे फ़ायदे दिखाए गए हैं। साथ साथ लीवर के लिए जो है सौंफ बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें जो होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगड और एंटी ऑक्सीडेंट के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ मैंने इसमें हरड़ ऐड की है छोटी वाली जो है, उसके भी आपको गुण बताऊँ। यह जो है एक यौगिक होते हैं इसमें गुण, और जिसकी वजह से कई संभावित उपयोग किए जाते हैं। हरड़ में हृदय सुरक्षात्मक, यकृत सुरक्षात्मक, जीवाणुरोधी, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं। यह कैंसर और मधुमेह जैसे और पेट की शरीर सभी मीणु को जड़ से ख़त्म करता है। ऐसी स्थितियों में ये सारी चीज़ें पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती हैं। और हरण में जीवाणुरोधी, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि कैंसर जो है मधुमेह जैसी और पेट की जैसे सूजन है पेट में, कई तरह की बीमारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है ये। तो फ्रेंड, जो इसमें अजवाइन ऐड की है, अजवाइन में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि वजन भी कम करने में सीधा असर डालते हैं, साथ साथ पेट के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके साथ साथ मैंने जो इसमें मेथी ऐड की है, आप सब जानते ही होंगे कि मेथी का सबसे बड़े गुण है ये पाचन में सुधार करता है। और सारी चीज़ों को फ्रेंड देख सकते हैं आप, मैंने डालती गई हूँ कढ़ाई में और एकदम लो फ्लेम में मैं चलाते हुए, और मेथी के साथ मैंने अजवाइन भी इसमें डाल दी थी, तो सारी चीज़ों को एकदम लो फ्लेम में देख सकते हैं आप, कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो बस इसे 5 मिनट और मैं रोस्ट कर लेती हूँ, तो बढ़िया से ये भुन जाए सारी चीज़ें, इसमें कच्चापन पूरा ख़त्म हो जाए। तो देखिए भुन गई और गैस बंद कराया मैंने, और इन सारी चीज़ों को डाल दिया एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये सारी चीज़ें ठंडी हो रही हैं, तो मैंने एक शीशी भी बर्तन देख लिया है इसे, तो सारी चीज़ों को इसमें मैं, तो फ्रेंड देख सकते हैं आप जो पाचन में सुधार करता है मेथी, और देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को मैंने ठंडा कर लिया है अच्छे से। और तब तक एक शीशी भी ढूंढ लेती हूँ इसे चूर्ण को भरने के लिए। तो जैसे ही अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड ये करीब 15 से 20 मिनट के बाद ठंडा हो गया है अच्छे से। साथ साथ चलिए इसमें जो हींग है और नमक मैंने रखा था, तो सारी चीज़ों को डालकर मिक्सी के पॉट में, और इसे सब चीज़ों को एक महीन चूर्ण बना लेंगे फ्रेंड। तो रेसिपी ज़रूर बनाइएगा आप, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद है पेट के लिए। मैं खुद हमेशा ही खाती हूँ और बहुत फ़ायदा लगता है मुझे, डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आती इसे खाने के बाद। तो पेट समस्या संबंधी जो भी एक समस्या है आपको, कब्ज, गैस, एसिडिटी
कुछ भी समस्या है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसे खा सकते हैं। घर का चूर्ण आयुर्वेदिक है, इसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो निश्चिंत होकर आप इसे खा सकते हैं। सारी घर की चीज़ों से बना हुआ है ये, तो देख सकते हैं महीन पेज बन के तैयार हो गया है चूर्ण का। तो फ्रेंड देखिए, इसमें बर्तन में निकाल लिया है मैंने एक, और बर्तन में निकाल के इसे शीशी में ट्रांसफ़र कर देते हैं एयर टाइट कंटेनर में, ताकि इसमें हवा बिल्कुल भी ना लगे, नहीं तो ये सीज जाता है बारिश के मौसम में। तो फ्रेंड देखिए, मैंने एयर टाइट डिब्बे में से भर रही हूँ। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे जो बताई है मैंने ये, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इसकी मात्रा आपको लेनी है, तो मैं खुद आपको खा के दिखा रही हूँ कि ये चूर्ण आपको गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद सुबह और शाम दो टाइम आप इसे ले सकते हैं। तो देखिए, इसे बंद कर दिया है डिब्बा अच्छे से, ऐसे ही आपको एकदम एयर टाइट कंटेनर में इसे रखना है, ताकि ये बिल्कुल भी इसमें हवा ना लगे, और पानी रख दिया है गुनगुना करने के लिए गैस पर। तो गुनगुने पानी के साथ सेवन आप भी कीजिए। अगर आपको कभी कुछ एसिडिटी या कोई भी समस्या है पेट संबंधी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो देख रहे हैं फ्रेंड आप मेरा यूट्यूब चैनल स्नेहा ब्लॉग एंड रसोई में। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इसे, मैंने ले लिया ये चूर्ण करीब आधी से पौन चम्मच, और ये गुनगुना पानी, तो इसके साथ बढ़िया से आपको खा लेना है, और इसे सूखा भी खा सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा लगता है। तो सेवन कीजिए और सारे रोगों को दूर भगाइए और स्वस्थ रहिए। तो फिर एक नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। टेक केयर एंड बाय बाय।